गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ के हिंदी सब्जेक्ट का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। आज का हमारा तीसरा अध्याय है भिखारी। सबसे पहले हम इस अध्याय के शब्दार्थ को समझेंगे। इस अध्याय के शब्दार्थ है याचना, प्रार्थना, वक्ष, छाती, शंका, शक, घृणा, नफरत, विवश, मजबूर, सहृदय, दयालु, नरम दिल, ताता, आना जाना, ज्वर, बुखार, अश्रुधारा, आंसुओं की धारा, प्रयत्न, प्रयास, धरोहर, संपत्ति, व्यर्थ, बेकार, विकल, बेचैन। अब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती, दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से प्रार्थना करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले से हृदय और दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले दो चार पैसे उसके हाथ में रखी देते थे। अंधी उसको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाया करती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या ऐसे लोगों की होती जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते थे। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे दो चार पैसे और मिल जाते। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उसके चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तिष्क को चुमती, बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष हुए, पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी। अतः किसी ने भी न पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए काफ़ी अन्न मिल जाता था, उससे काम चलाती। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने पक्ष में लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिला कर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उसकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। धर्म में उनका बड़ा पक्ष था। दिन के 12 बजे तक वह धर्म ध्यान में संलग्न रहते। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक जो आते थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी ताता बंधा रहता था। जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे, सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं क्यों वह अपनी कमाई यहाँ जमा करने में हिचकिचाती थी। उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसका धन चुरा न ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी बही खाते के पृष्ठ उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया?
अंधी ने हांडी उसके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी इसे अपने पास जमा कर लो, मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए दो चार पैसे इकट्ठे किए थे, अपने पास रखती हुई डरती हूँ, कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख दो। सेठ जी ने मुनिम की ओर संकेत करते हुए कहा, वही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनिम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूंक से भी काम किया, तोने टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़की की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी भी वहीं उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी मेरी जमा पूंजी में 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनिम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनिम जी जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है रे? अंधी की जान में जान आ गई, आशा बंदी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ जी से बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि संभवतः इन्हें ध्यान न रहा होगा, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी कहीं झूठ बोल सकता है। उसने अपना नाम बता दिया। मुनिम से सेठ जी का संकेत समझ लिया था। बही के पृष्ठ उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर कोई एक पाइप भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठ ही रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके उसने कहा, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था बल्कि एक दुखिया का श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं तो फायदा क्यों होता। एक दिन उसकी अवस्था बड़ी चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन में अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान भी नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उससे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक कर रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी कि सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी को चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया पर वह टस से मस न हुई। अब सेठ जी स्वयं बाहर पधारे। देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उसने बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत और उनके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की परंतु उसका कोई पता न मिला। उन्हें स्मरण हो गया कि मोहन की जांघ पर
लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार में आते ही उसने अंधी के गोद के बच्चे की जांग देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीन कर अपने कलेजे से चिपका लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ जी ने नौकर को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा मेरा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते क्यों? यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों खून पसीना करके मैंने उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते ही नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने उस अपना जादू का सा असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूँ, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, मिला भी तो मृत्यु इसको चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाऊँ? सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया, उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रह कर वह तुझे ही पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, चल ओ मेरे, नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मरती हूँ, हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा, मैं वहीं उसकी सेवा शुश्रूषा करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पैरों पर गिर पड़े और रो कर कहा, ममता की लाज रखो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई, सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। ले जाकर मोहन की चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसे टटोल कर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिया और समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारिन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख का अनुभव हुआ और वह उसी की गोद में सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी। 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशंदे वैद्यों की
कुड़िया और डॉक्टर की मिक्सर न कर सकते थे, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं। विवश होकर उसने बुढ़िया को विदा करना पड़ा। जब चलने लगी तो सेठ जी ने रुपए की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकल कर फिर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। थैंक यू।